चलिए आइए हम काइनेमैटिक का ग्राफ क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये वीटी ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है चूज द करेक्ट एटी ग्राफ, ये ऑप्शन है। हम सबसे पहले इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर। अब हमें एक्सेलरेशन डी वी बाय डी टी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम पी से क्यू के बीच में देखें तो एक्सेलरेशन स्लोप क्यू की नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन पी से क्यू के बीच में नेगेटिव होगा। अब हम क्यू से आर देखें तो इसमें स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्यू से आर के बीच में पॉजिटिव होगा। और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। और Q से R में यूनिफॉर्मली बढ़ रही है वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन Q से R में भी यूनिफॉर्म होगा। हम अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें सबसे पहले P से Q के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव दी गई है, तो ये तो यूं ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखें तो P से Q के बीच में यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन और नेगेटिव भी है, ठीक है। अब Q से R यूनिफॉर्म भी है, पॉजिटिव भी है, और हमको यही तो चाहिए था। तो सही आंसर है बी।